सही बनते हो ऋषि जाने क्या तुम्हें बनाते भरद्वाज को तुम सुनो है इच्छा बन अच्छा भोलेनाथ मैं तो चला राम भगवान शंकर के पास से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने काफी समझाया लेकिन नारद की समझ में नहीं आया क्यों और वह पूरे उत्तर बदतर हो रहा है। अब देव जी नारद अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंच गए ब्रह्मलोक क्यों राम की धजा है सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई शंभु वचन मुनि बद नहीं भाए सब रंच के लोक सिधारे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होने की बात तो ऐसी है मैंने कामदेव को जीत लिया इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा तो तुम ये बात हमसे कही लेकिन श्री हरि से ये बात मत कहना। परमपिता ब्रह्मा ने भी देवर्षि नारद को समझाया लेकिन नारद के कोई बात समझ में नहीं आई। अच्छा मैं तो चला महादेव ने कामदेव जी को जीता तो सारा संसार जान गया और मैंने कामदेव को जीत लिया है तो सब लोग यही कहते हैं हरि से मत बताना उनसे मत बताना किसी से मत बताना नारायण नारायण। अब तो मैं जरूर बताऊंगा मैं अवश्य बताऊंगा श्रीमद् नारायण नारायण हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु कवने मुनि नाथा जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण क्षीर सिंधु कवने मुनि नाथा जह बस श्रीनिवास श्रुति बाथ हरस मिले उठि रमा निकेता
बैठे आसन ऋषि समेत। बोले थी हसन चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हि मुनि तारा। देव ऋषि के जाने पर सबसे पहले भगवान ने बिंग किया, दौड़ दौड़ के गले से लगा दिया। दूसरा बयान भगवान ने ये किया देव ऋषि नारद के साथ में। देव ऋषि नारद से कहा कि आप बहुत दिनों के बाद आए हो, वो भी दया करने, मतलब कहने का अभी तक दर्शन करने आते थे, अब पदवी बड़ी हो गई तो दया करने आए हो, अभिमान को और बढ़ा दिया। आज आप बहुत दिनों के बाद मिले हो। का चरित नारद सब भाके, जगति प्रथम परम शिव राखे। मैंने काम को जीत लिया है, मैंने काम को जीत लिया है, मैंने काम को जीत लिया है। ऋषि नारद आप के लिए कामदेव को जीतना तो साधारण बात है, आप ऋषियों में महान ऋषि हैं, आपकी कीर्ति हमेशा विद्यमान रहेगी। भगवान ने तीसरा व्यंग किया देव ऋषि नारद से, नारद जब तुमने काम देव जीता है तो आज तक तो हमारे सुमिरन से दुख सुख दुख सुख नष्ट होते थे, दूसरों का मान नष्ट होता था, लेकिन अब हमारे नहीं तुम्हारे सुमिरन से बेटे ही मोह मार मत मार। अब तुम्हारा नाम करने से मोह मत सब भाग जाएगा। देखो प्रभु ने हमारी बात समझी है, बाकी सब करेंगे उनसे मत बताना, उनसे मत बताना। नारायण नारायण सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुर करब तरु भारी। बेग समय तारी हम पारी, पद हमार सेवक हितकारी। अच्छा प्रभु मैं तो चला देव ऋषि नारद नारायण के यहाँ से हर कीर्तन करते चले गए। भगवान ने फिर माया को बुलाया और माया को बुला करके सारी बात कही। श्रीपति ने जब माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि तेरे। माया को बुलाया और माया से कहा ऐसा करो, देव ऋषि नारद के हृदय में अभिमान अंकुरित हो चुका है, उस अभिमान के वृक्ष को जड़ समूल मुझे नष्ट करना है, इसलिए जाओ कोई ऐसी क्रिया करो जिससे देव ऋषि नारद का अभिमान भंग हो जाए। माया भगवान को प्रणाम करके चली गई और उस माया ने जिस रास्ते से देव ऋषि नारद जा रहे थे हरि गुणगान करते, उसी रास्ते पर एक सुंदर नगर जिसका विस्तृत निर्माण कर दिया, बड़ा सुंदर नगर है जिसकी शोभा भगवान के पुर से भी अच्छी है, और उस नगर का राजा है शीलनिधि, और शीलनिधि की कन्या स्वयं माया बन गई, और माया बन करके मोहित करने का देव ऋषि नारद को प्रयास करने लगे। देव ऋषि नारद जा रहे हैं गुणगान करते हुए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण।
नारद मुनि को बड़े आदर और सम्मान से ले आइए। वाह विश्व मोहिनी बड़ी सुंदर है। उनके उचित बैठने का स्थान दीजिएगा। राजा शैलेंद्र ने देवर्षि नारद को आसन दिया, बैठाया, स्वागत किया। स्वागत करने के बाद अपनी कन्या को ले जाकर के ऋषि के चरणों में प्रणाम करवाया। देवर्षि के चरणों में प्रणाम किया। देवर्षि नारद से राजा शैलेंद्र ने कहा, देखिए महाराज, ये मेरी सुकन्या है और कन्या की हस्तरेखा देख करके आप बताएं कि इसका भविष्य कैसा है। आप त्रिकाल लगे हैं। मुनि जी, मेरी कन्या का हस्तरेखा देख करके बताइए इसके भविष्य में क्या है, क्योंकि आज मैं इसका स्वयंवर करने वाला हूँ। देवर्षि नारद ने कन्या को सम्मुख आसन पर बैठाया और बैठा करके कन्या की हस्तरेखा को देखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन देवर्षि नारद ने कन्या का जब मुख देखा और कर देखा तो सब कुछ बदल गया। कर देख देख कर देखा कर देख देख कर कर देखा मुख देख देख कर कर देखा या जो कहिए सुखवारी ने ऋषिवर ने अपना सुख देखा महाराज। आपकी कन्या बहुत ही भाग्यशाली है जो क्षणता सुपिलो की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। जो भी इसके साथ विवाह करेगा वो अजर अमर होगा। सुर असुर नाग किन्नर कोई भी इसे जीत नहीं पाएगा। आपकी कन्या बहुत ही भाग्यशाली है। शोभा सुलक्षण कहीं न पाही नारद चले सोच मन पाहे। जाई सोई जतन बिचारी और जही प्रकार मोहि परई कुमारी। जब से राजकुमारी को देखा है तब से कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देती है। अब क्या करूं, कैसे भी हमारा इसके साथ विवाह हो जाए तो हमारा धन्य हो जाए। अब इस समय मैं सहायता मांगू तो किससे मांगू। मेरा विवाह इस कन्या से हो जाए, बहुत ही सुंदर कन्या है। जब तब कछु न होई ते काला एक जिंद कई कवन दीवारा। अब हमसे जब और तब कुछ नहीं हो रहा है।
हे ब्रह्मा जी बताइए ये बाला ये लड़की कैसे हमें प्राप्त हो, मेरा इससे विवाह हो जाए, बस और कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे आंखों के सामने बस यही राजा सिंह की कन्या ही दिखाई दे रही है। हरि शरणा गौ सुंदरताई होए हे जात गहरोट भाई। मैं अपने प्रभु से श्री हरि से सुंदरता मांगता हूँ जिससे कि हमारा विवाह इस लड़की के साथ हो जाए। बहु विधि विनय की नहीं काला प्रगट हो प्रभु बहुत की कृपाला। प्रभु हे दीनानाथ हे दीन बंधु प्रगट होइए जल्दी से, हे प्रभु हे दीन बंधु हे दीन दयाल जल्दी से आ जाइए और मुझे अपना रूप दे दीजिए जिससे कि हमारा विवाह इस लड़की के साथ हो जाए। हे दीन दयाल हे दीनों की रक्षा करने वाले प्रभु प्रकट हो। देवर्षि की नारद की विनय पर श्री हरि प्रकट हुए, भगवान नारायण प्रकट होकर के देवर्षि नारद की सारी बात सुनी। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने हो हे काज हे हरसाने। अब हमारा काम हो जाएगा, अब हमारे प्रभु आ गए हैं, अब हमारा विवाह भी हो जाएगा। प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ सील की कन्या से, मुझे आप अपना रूप दे दीजिए ताकि मेरा भी विवाह हो जाए, मेरे रोटी चौका भाषण करने वाली को याद आए। भगवान नारायण ने सोचा कल नारद आए थे तो नारद कहते थे कि हमने काम जीता है और आज काम आ गया है। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने मुस्कुरा करके कहा नारद तुम मेरा रूप मांग रहे हो लेकिन तुम कहते मेरा हित करो, लेकिन मैं आपका हित नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। जेही विधि नाथ होई ही तमोरा करहु सबे दास मैं तो। मेरा हित कीजिए, मैं आपका दास हूँ, जल्दी से हमारा विवाह करवा दीजिए, हमारे घर में भी कोई रोटी दाल चावल बनाने वाला आ जाए, फिर मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। जेही विधि होई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार ओ सोई हम करबन आन कछु बचन नम शाह। जिस प्रकार आपका हित होगा मैं वही करूंगा। हे प्रभु हम तो आपसे ऐसी ही उम्मीद थी, आप ही हमारी समस्या समझ सकते थे, जल्दी से हमारा विवाह करवा दीजिए, अपना स्वरूप दे दीजिए। बात माया दिवस भय मनी मूढ़ा समझे नहीं हरि गिराने गोढ़ा। दवने तुरत तहारी सिराई जहां स्वयं पर भूमि बनाई। देवर्षि नारद भगवान से हरि का रूप मांग करके चले गए, भगवान ने हरि का रूप दे दिया। लेकिन नारद को ये पता नहीं था हरि माने भगवान होता है और हरि माने बंदर भी होता है। भगवान ने हरि का तो रूप दिया लेकिन स्वयं का नहीं, हरि माने बंदर का रूप दे दिया, नारद को बंदर बना दिया और बंदर बना करके बंदर का स्वरूप लेकर के देवर्षि नारद जब शीलंत की उस सुंदर सभा में पहुंचे जहां बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए थे, भगवान शंकर ने भी अपने दो रुद्रगण लगा दिए नारद के साथ में। अब नारद के साथ में नारद को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे और नारद को समझाते वाह कितनी सुंदरता अच्छी है आपकी, ऐसी सुंदरता तो हमने आज तक कभी देखी ही नहीं है। देवर्षि नारद बंदर का मुख लेकर के और शीलंत की सभा में पहुंच गए। नारायण 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 श्री नारायण।
वाह वाह सिंदूर डाल के आए हैं बाबा। रुद्रगढ़ दोनों आसपास लगे हुए हैं। अजीब सुंदरता है आज। अजीब नहीं मनमोहक सुंदरता है। मालिक से खुद बुलवा रहे हैं। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाव कर सहित समाज मुनि मन हर स्वरूप अति मोरे मोहि तज आनहि परहि न भोरे। नहीं 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 दर्पण लाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो वैसे ही सुंदर हूँ। हरि का रूप मिला है ना श्री हरि का। राजा शिव ने अपने कन्या को बरमाल दी और कन्या जिसके साथ में अब हर एक राजा को देखती हुई चली जा रही है। यही समाज बैठे मुने जाई हृदय रूप हमति अधिकारी पुनि पुनि मुनि रूप सहे बुलाही। पहले बाद में के माला तो हमारे करे रुद्रगण देव ऋषि नारद से उपहास करते हैं क्योंकि आज इतने सुंदर हो इसलिए कर रहे नारद ही सुनाई नेक दीन हरि सुंदर ताई रीछ ही राज कुमारी छवि देखी इन्हें बरी हरि जान विशेष। देख कसा हर गन मुस्काही बिल्कुल हमारे अलावा किसी जगह
माला पड़ेगी नहीं। मन गिर गई छूटी चतुका तब हर गण बोले मुस्काई अरे निज मुख को पुरख लो कहु जाई भगवान शंकर के गणों में ऐसा करो मरकट बदन भयंकर देही ठेकत हृदय क्रोध पाते ही हरकत अधर रूप मन माही सब चले कमलापति पाही देहु साप की मरी हम जाई जगत मोरी उपहास श्री हरि ने मेरा अपमान करवाया है मेरी संसार में हंसी करवाई है मैं उन्हें या तो मार दूंगा या खराब कर दूंगा ऐसा मजा हमारे साथ देव ऋषि नारद जी के साथ ऐसा मजा बीच ही पंथ मिले तनुजारी बीच ही पंथ मिले तनुजारी शंकर मासुई राज तुम्हारी शंकर मासुई राज तुम्हारी बोले मधुर बचन सुर साई उनका चले जुगल किनारे उनका चले जुगल किनारे सुनत बचन को बजावत क्रोधा आया बस रहा आया बस रहा पर संपदा सकू नहीं देखी तुम्हारे गिरसा कपट विषय दूसरे की बड़ाई कतई नहीं जान कर सकते हो तुम बहुत ही ईर्ष्याद हो तुम्हारे हृदय में हमेशा छल कपट भरा रहता है माथा तसिन थुरुद्र ही बोरायो सुरल प्रेरित सपान करायो समुद्र मंथन के समय भी असुरों से छल किया और देवताओं को अमृत पिला दिया और भोले भाले मेरे भोलेनाथ को दिस्पान चला दिया तुम बहुत छलिया हो तुम बहुत ठगी हो आश
असुर सुरादी सशक्त रहे आप रमा मन चार सारथ साधक कुटिल तुम सदा तपत व्यवहार। हमने अमृत देवताओं को पिला दिया, फिर हमारे भोलेनाथ को पिला दिया, और जो लक्ष्मी जी निकली उनको लेकर तुम चले गए। तुम बहुत ही स्वार्थी हो, हमारे साथ रेडी छल कर दी। आज जब हमने अपना विवाह करने का मन बनाया, हमने भी सोचा दिन भर घास इधर उधर घास काटते घर आएंगे ठंडा पानी मिलेगा, आज चक्की से कई रोटी मिलेगी, बिस्तर बिछा बिछा मिलेगा, और सुबह हर घर छल कर दिया। भले भवन अगत आयो दीन्हा पाव हो गे फल आपन कीन्हा। जिसकी आकर देकर तुमने मेरे साथ छल किया है उसी वही दे तुम भी रखो, तुम भी तुमको भी वही श्री प्राप्त हो। कभी आए प्रति तुम भी हमारी, कल है तीन सहाय तुम्हारी।